हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैक टू बैक दो स्टोरी सुना रहा हूं। स्टोरी है स्कोप वाचर की, मतलब गुंजाइश ढूंढने वाले की, कि किसी भी क्षेत्र में कैसे गुंजाइश ढूंढा जाए, उसी की कहानी है। ये कहानी मैंने पैको इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में सुना था। वहां के मैनेजिंग पार्टनर मिस्टर चांद मेहता मुझे ये कहानी सुनाया था। पैको में करीब मैं 10 साल काम किया हूं और वहां पर मैं सीनियर इंजीनियर था। तो ये कहानी बहुत ही अद्भुत है, बहुत कमाल का है, जो किसी की भी नजरिया को बदल सकता है और अपनी सोच को बड़ा कर सकता है। एक फुटवेयर की कंपनी होती है जिसमें दो सेल मैनेजर होते हैं और कंपनी का ऑनर जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। उसके लिए दोनों मैनेजर को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि आप दोनों वन बाय वन करके नागालैंड जाइए और वहां पर अपना बिजनेस का स्कोप देखिए कि हम वहां पर बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं, अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे कि नहीं। तो पहला मैनेजर वहां जाता है तो नागालैंड में जैसे पहुंचता है देखता है चारों तरफ कि वहां के लोग जो हैं जूता चप्पल नहीं पहनते हैं। तो वो फोन अपने ऑनर को करता है और बताता है कि सर, यहां पर बिजनेस का कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि यहां पर लोग जो है जूता चप्पल पहनते नहीं है। ऑनर बोलता है ठीक है, आप वापस आ जाइए। फिर दूसरे सेल मैनेजर को भेजता है। तो जैसे दूसरे सेल मैनेजर जाता है, नागालैंड पहुंचता है, देखता है कि यहां के लोग सही में जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। फिर उसने अपने ऑनर को फोन किया और बोला कि सर, यहां पर बिजनेस का स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, हम अपने बिजनेस को यहां बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बशर्ते हमें इनको जूता चप्पल कैसे पहना जाता है और जूता चप्पल पहनने का फायदा क्या होता है ये सिर्फ समझाना है, देन हमारा बिजनेस जो है बहुत बड़ा हो सकता है। तो यहां पर जो दूसरा मैनेजर है, देखिए उसने बिजनेस का स्कोप कैसे ढूंढ लिया, उसके नजरिया देखिए कितना अच्छा है, वो गुंजाइश को ढूंढ लिया। फिर दूसरे कहानी इसी प्रकार है कि दो कैदी होते हैं जो कैद खाने में कैद हैं, एक सेल में कैद हैं, और वो सेल जो है उस सेल में एक खिड़की है और खिड़की से पूरा का बाहर का दृश्य दिखता है। पहला कैदी जो है उसमें देखता है कि कितना सुंदर आसमान साफ है, कितना अच्छा प्रकृति है, प्रकृति की सुंदरता कितना अच्छा है, सूर्य चंद्रमा कितने अच्छे हैं। और दूसरा कैदी वहीं पर देखता है कि कितना गंदगी फैला हुआ है, इधर कितना कचरा है, कितना मलबा पड़ा हुआ है। तो जो ऊपर देखने वाला कैदी था एक दिन खिड़की तोड़ के भाग गया जो आसमान को देख रहा था, और दूसरा जो कैदी था जिसको नीचे मलबा कूड़ा करकट दिख रहा था, गंदगी दिख रहा था, वो जेल से कभी भाग ही नहीं पाया। तो देखिए गुंजाइश एक ही चीज को दो नजर से देखने का कितना बड़ा अंतर है। एक गुंजाइश देखता है और गुंजाइश देखता है तो अच्छा करता है, वो जेल से भाग जाता है, आजाद हो जाता है, जो ऊपर देख रहा है, आसमान को देख रहा है, प्रकृति की खूबसूरती को देख रहा है, और वो जेल से निकल जाता है। जो नीचे देख रहा था कि गंदगी है, कैसे निकल पाऊंगा, कैसे यहां का कर पाऊंगा, तो वो वहां से निकल नहीं पाता। उसी प्रकार दूसरा सेल्समैन था, सेल मैनेजर था, वो गुंजाइश देखा। तो इसी तरह हमें अपने नजरियों को बदलना चाहिए और गुंजाइश देखना चाहिए। तो स्कोप वाचर इस प्रकार होते हैं कि हर चीज में स्कोप देखते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।